हम चलते हैं बच्चे, लास्ट टॉपिक है आपका इस इकोनॉमिक्स का, लास्ट लेसन का, यानी लेसन थर्ड का। इसके बाद हम एक लेसन और पढ़ेंगे, लेसन फोर। उससे पहले मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ आज की वीडियो में। तो ये आपका वीडियो नंबर फोर होगा, जो टॉपिक का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, यानी गरीब लोग हैं, जो पुअर पर्सन लोग हैं, वो अपने को डेवलप करने के लिए, अपने को हेल्प करने के लिए सेल्फ का ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप से कैसे उनकी हेल्प होती है, मैं इन बातों को जानूंगा आज इस टॉपिक में। इससे पहले थोड़ा मैं रिव्यू करता हूँ पुराने टॉपिक जो अमीनेशन ने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़े हैं फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी कि समय के साथ साथ जो मनी के जो तरीके हैं या रूपरेखा हैं या उसकी वैल्यू जो है वो भी क्या होती गई, बदलती गई। जैसे पहले जो मेटल के कॉइन्स होते थे, फिर करेंसी होता था पेपर का, अब जो है पेपरलेस भी आपको ट्रांजेक्शन होने का काम होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो सरप्लस पैसा होता है उसको बैंक में सबमिट की जाती है, और बैंक उसके बदले में क्या करता है, उसे इंटरेस्ट देता है, और उसे कुछ पॉइंट, कुछ पैसे जो है बैंक पर रखने के बाद बाकी पैसे लोन एक्टिविटी में लगाता है, जिससे बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम वहीं से आते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग जो निडी पर्सन होते हैं वो लोन दो जगह से ले सकते हैं, दो उसका दो टर्म होता है सेक्टर। एक पढ़ा हम लोगों ने फॉर्मल सेक्टर, जिसमें बैंक और आपको आते हैं कोऑपरेटिव, जबकि अदर्स हमने पढ़े इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें होता है आपका मनी लेंडर, स्मॉल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं जहाँ से हम लोग लेते हैं। दोनों में डिफरेंस भी देखा हम लोगों ने, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में, और दोनों के दोनों अपने आप में एक रखता है करेक्ट्रिक्स भी, दोनों में आपको कह सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है फॉर्मल और इनफॉर्मल के। आपने अच्छे तरह से समझा था, प्रयास किया था पढ़ने का और समझने का हम लोग देखे। और आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, हम डिस्कस करेंगे इस पर कि ये क्या चीज़ है और ये लोगों को कैसे हेल्प करने का काम करता है। आइए हम समझते हैं, ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है इस लेसन से, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार इस टॉपिक्स को आते हुए देखा गया है। तो आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का बुक्स है तो आपका 50 पेजों को ओपन कर लीजिए, जो लास्ट पैराग्राफ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर्स। ओके, आइए देखते हैं। तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल रिसोर्स ऑफ द क्रेडिट। वाई इट इज सो, हमने देखा कि जो पुअर पर्सन, जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे, वे अपने डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करते थे, दैट मीन्स कंप्लीट करने के लिए वे इनफॉर्मल सेक्टर का उपयोग करते थे, यानी कि मनी लेंडर, ट्रेडर्स या रिलेटिव से लोन लेते थे और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। लेकिन ऐसा क्यों था, जबकि हमने देखा था कि उससे कम रेट में, इंटरेस्ट रेट कम था किसका, फॉर्मल सेक्टर का, बैंक का या कोऑपरेटिव का, फिर भी लोग अधिकांश जो पॉपुलेशन थी जा रही थी इनफॉर्मल में साहूकारों के पास। ऐसा क्यों होता था, इसमें कुछ रीजंस हैं। यहाँ पर एक गुड पॉइंट है इनके लिए, इनफॉर्मल के लिए, और बैड पॉइंट है फॉर्मल के लिए, कि लोग क्यों इतना सस्ता रेट होने के पास भी साथ भी लोग बैंक के पास लोन लेने नहीं जाते हैं, जाते हैं कहाँ पर, इनफॉर्मल के साथ। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे हम, बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरी वेयर इन रूरल एरिया। सबसे पहली बात है कि बैंक सभी ग्रामीण इलाकों में नहीं है, है ना, इसलिए भाई मेरे यहाँ बैंक नहीं, मेरे पैसा जरूरत है तो क्या करूँगा मैं, अब जाऊँगा गाजीपुर तब तो मेरे को लोन मिलेगा ना, वहाँ जाने में दिक्कत, जाने में दिक्कत, फिर उसके पास और उसके फॉर्मेलिटी हैं जो हम नहीं फुलफिल कर पाएंगे। मान लो मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन का कागज नहीं है, मेरे पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, तो बैंक क्या कहता है, पहले आप कोलैटरल जमा करो, आप कुछ प्रॉपर्टी को मर्वेज करो, गिरवी रखो, तो मैं आपको अगेंस्ट में लोन दूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ है ना, मैं लोन कहाँ से लूँगा, तो मैं जब मैं लोन वहाँ से नहीं मिलूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं भागूंगा इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ मुझे कोई कोलैटरल, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गाँव के लोग होते हैं, गाँव के लोग हमको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, विश्वास होता है कि भाई पैसा लेंगे तो हमारा ये पैसा समय से पे कर देंगे, तो वह हमको थोड़ा रेट ज़्यादा पड़ता है तो क्या है, लेकिन हमें आसानी से इजली लोन मिल जाता है। इसलिए यही वजह है मेन ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों का, कि जो फॉर्मल सेक्टर को ना यूज करें, कहाँ जाते हैं, इनफॉर्मल में, अधिक रेट देने के बाद ही उसको प्रेफर करते हैं। ओके, देखते हैं इसमें, इन इंडिया इवन व्हेन दे आर द प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल रिसोर्सेज। एज वी सॉ फॉर मेघा, मेघा एक नाम है, एक इसमें पढ़े होंगे आप लोग एग्जाम्पल पीछे, तो उसमें देखे होंगे, बैंक लोन रिक्वायर पेपर डॉक्यूमेंट्स एज कोलेट्रल। जैसे कि मैंने बताया अभी कि बैंक से अगर लोन लेना है तो बैंक आपको पेपर मांगती है डॉक्यूमेंट का कोलेट्रल के रूप में, आपको गिरवी मर्वेज करने के नाम पर रखती है, लेकिन जो ऑब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन, बैंक लोन्स।
यानी कि यही वजह है कि कोलेटरल के अब्सेंस होने में जो गरीब लोग हैं क्या करते हैं, वो आपको बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास मॉर्गेज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई लीगल एसेट्स नहीं होता है जिसको कि बैंक में मॉर्गेज करके वो लोन ले सके। यही वजह है कि जो लोग क्या करते हैं, आपको कहाँ जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर्स हैंड नोन एज द बोरोवर्स पर्सनली एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेटरल। और यही वजह है कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग होते हैं आपको जाते हैं इनफॉर्मल में मनी लेंडर के पास, या बड़े व्यापारियों के पास, या पूंजीपतियों के पास जाते हैं, जहाँ से लोन विदाउट कोलेटरल जमा किए ले लेते हैं। चूँकि जो मनी लेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलाकों के लोगों को, अपने पड़ोसियों को जानते हैं अच्छी तरह से कि भाई पैसा जो लेगा वो हमको वापस कर देगा, उन्हें कोलेटरल जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विथ रीपेइंग देयर अर्लियर्स लोन। हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस एंड हरास द पुअर बोरोवर्स। यानी कि इसके होने के बाद भी जो लोग हैं जाते हैं मनी लेंडर के पास पैसा ले लेते हैं, और सबसे बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत है कि मनी लेंडर होते हैं इससे कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि आप कब कितना पैसा जमा किए, और जहाँ लिखते हैं वो ऑथेंटिक पेपर नहीं होता है। ऐसे में बात में क्या होता है, कभी कभार मनी लेंडर की अगर विचार बदल जाती है तो आपको रीपे की अमाउंट को कहते नहीं आपने जमा नहीं किया है, तुम्हें तो कभी लोन हमको दिया ही नहीं है, अभी तुम्हारे पास इतना पैसा जो है और अभी कर्ज में तुम्हें वो देना होता है। इसे ज़्यादा लॉस होने के बाद भी, अधिक रेट इंटरेस्ट होने के बाद भी लोगों का ध्यान कहाँ जाता है, मनी लेंडर के पास जाता है, आपको इनफॉर्मल सेक्टर के पास अधिक लोगों का झुकाव देखा जाता है। तो हम इससे बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसी प्लान चला रखी है, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। इसके माध्यम से होता क्या है, आइए हम समझने का प्रयास करेंगे। भाई देश के गरीब लोग या पॉपुलेशन का जो एक बड़ा तबका होता है जो आपको कोलेटरल के अभाव में वो इनफॉर्मल सेक्टर का शिकार बन जाता है, पैसा कम लेता है, अधिक इंटरेस्ट देता है, और अपने अर्निंग का अधिक पैसा जो है उसको लोन पे करने में लग जाता है, जिससे उनका जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसे प्रोग्राम चला रखी है कि लोग अपना भला स्वयं कर सकते हैं ग्रुप के माध्यम से, ग्रुप बना करके। कैसे करते हैं आइए हम देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। इन रिसेंट ईयर पीपुल हैव ट्राइड आउट सम न्यूज न्यूअर वे टू प्रोवाइडिंग अ लोन्स टू द पुअर। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पार्टिकुलर वुमेन इन टू अ स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको बोलते हैं HHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, द पुल देयर सेविंग। दे टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 मेम्बर्स, यूजअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। यानी कैसे में क्या होता है कि इसमें एक प्रावधान बनाया गया है कि लोग जो है पड़ोसी लोग, खासकर से औरतों के लिए, कि औरतें जो है पड़ोसी एरिया में रहती हैं, तो कम से कम 15 से 20 या 25 जो है वुमेन्स एक ग्रुप बनाएंगी जो पड़ोसी होंगी, और रेगुलरली एक मीटिंग करेगी, वीकली या फिर टू वीकली या फिर मंथली, और उसमें अपने सेविंग का कुछ पैसा जो है बचाएंगी और क्या करेंगी, उस ग्रुप में सबमिट करेंगी, कलेक्ट करेंगी। जब अधिक अमाउंट हो जाएगा, देखते हैं इसमें जो अमाउंट सेविंग का ये रेशियो होता है, सेविंग पर मेंबर्स वैरीज फ्रॉम 50 रुपीज़ 25 रुपीज़ टू 100 या मोर। यानी कि इसमें कैपेसिटी के अनुसार जो होता है, कम से कम 25 रुपया, अधिक से अधिक 100 रुपया, इससे अधिक भी आप जमा कर सकते हो ग्रुप में, ग्रुप को और अधिक क्या करने के लिए, इकोनॉमिकली मजबूत बनाने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपुल टू सेव, मेंबर कैन टेक अ स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस दैन वाट द मनी लेंडर चार्ज। इस ग्रुप में जो पैसा कलेक्ट होता है उस ग्रुप के मेंबर को रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोन लेते हैं अपने ग्रुप से भी, लेकिन इस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो मनी लेंडर से क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हम अपने ग्रुप से अब पैसा भी लिया, लोन अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी किया, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हुआ, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा देखने को मिलता है कि हम अपने पैसा कलेक्ट किए ग्रुप मिला करके, और अपने ग्रुप के मेंबर्स को ही हमने लोन दिया, तो ग्रुप मेंबर को भी फायदा हुआ, दो फायदा मेंबर को हुआ, मेंबर को यह फायदा हुआ कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और ग्रुप को यह फायदा हुआ कि जो लोग लोन लेते हैं, जो पैसा लेते हैं, वो पैसे के साथ साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करते हैं, मतलब जमा करते हैं, पे करते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर अ ईयर या टू ईयर्स इफ द ग्रुप रेगुलर इन सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल फॉर द अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एट इट इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। इसमें एक या दो साल के बाद जब सबमिट करते हैं, मान लो कि अगर 20 मेंबर्स ये ग्रुप में हैं और मेंबर्स जो है 100 रुपीज वीकली जमा करते हैं, तो जानते हो कि एक वीक में कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज़ हो जाएगा। एक मंथ में आपको हो जाएगा 2 × 8, यानी कि पर मंथ आपको 8000 रुपीज़ क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है ग्रुप में। अगर एक साल तक होती रही तो क्या होगा, 12×8=96, यानी 96,000 रुपीज़ जमा होती है एक साल में। अगर दो साल तक ग्रुप कंटिन्यू चला तो क्या हो गया, नियर अबाउट 2 लाख रुपया कलेक्ट हो गया। अभी 2 लाख रुपया जो है कहाँ रखेंगे लोग, बैंक में जाएंगे तो बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे ग्रुप के नाम से। जब ग्रुप के नाम से बैंक में अकाउंट ओपन होगा और जो 2 लाख रुपया सबमिट होगा बैंक को, तो बैंक से अगर रिक्वेस्ट करेंगे, भाई हमको हमारा ये ग्रुप है, हमारे ग्रुप में 2 लाख रुपया है, हम लोग इतने मेंबर्स हैं, मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, और हम लोग पर मंथ या पर ईयर पर क्या बोलते हैं वीकली हम मीटिंग करते हैं, हम मीटिंग से पैसा जमा किए हैं, इसके अगेंस्ट में हमें और 2 लाख लोन की जरूरत पड़ती है। 2 लाख रुपया आपका था, 2 लाख रुपया बैंक दे दिया, कितना हो गया आपके पास, 4 लाख रुपया हो गया। मेंबर कितने होंगे आपके, 20 मेंबर हैं, तो अगर उसमें 20 मेंबर में 5 मेंबर को भी अगर जरूरत पड़ती है 25,000 रुपया की या 50,000 रुपया की, तो लोन मिल सकता है ग्रुप के मेंबर को। जबकि इसमें अब लोन लेने से बैंक में कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है, चूँकि लोन ग्रुप के नाम पे होता है और कोलेट्रल जमा नहीं करने के बाद भी हमको लोन मिलता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इस मनी लेंडर से कम होता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं किस तरह से लोगों का यहाँ पर हेल्प होना स्टार्ट हो गया। लेकिन वहीं अगर सिंगल व्यक्ति जाता ग्रुप में ग्रुप बैंक से लोन लेता, तो उसको बैंक में लोन नहीं देता विदाउट कोलेट्रल। ओके, तो ये बेनिफिट होता है आपको ग्रुप बनाने से। फॉर द इंस्टेंस, स्मॉल लोन आर प्रोवाइड टू द मेंबर्स फॉर द रिलीजिंग मॉर्गेटेड लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, बाइंग नीड्स, यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के लिए वो काम करते हैं, चाहे वो कोई दुकान ओपन करे, या फिर आपको कोई पशु परचेज करे, है ना, दुधारू पशु जिस दूध सेल करके अपना लोन का पे करे, या फिर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए लोन लेता है। तो अलग अलग लोन जो है मेंबर्स जो उस ग्रुप के होते हैं लोन लेते हैं और अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं या अपना डेवलपमेंट खुद करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टू द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। द ग्रुप डिसाइडेड द एज रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड द पर्पस अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज रीपेमेंट शेड्यूल इट। यानी जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, जब बैंक लोन इनको प्रोवाइड कराती है 2 लाख 1 लाख की, तब ग्रुप मेंबर मीटिंग करते हैं आपस में कि भाई लोन किसको क्यों चाहिए, ग्रुप में से किसको किसको लोन लेना है, क्या क्या करना है। तो ग्रुप के मेंबर लोग कहते हैं कि 5 लोग कहते हैं भाई मैं चाहिए, मेरे को लोन चाहिए, मेरे को लोन चाहिए, मेरे को लोन चाहिए। तब ग्रुप के मेंबर डिस्कस करते हैं कि ये लोन देने लायक है, दिया जाए कि नहीं दिया जाए, या कितना दिया जाए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा जाए, यानी कि सारी बातों का डिस्कशन कौन करता है, ग्रुप के मेंबर ही करते हैं। और इजीली क्या होता है, ग्रुप का जो मेंबर होता है वो लोन लेता है और समय के साथ वो पेमेंट करता है। लेकिन इन एनी केस नॉन रीपेमेंट ऑन लोन बाई एनी वन मेंबर्स इज फॉलोड टू अप सीरियसली बाई अदर्स मेंबर इन द ग्रुप। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति लोन लेता है ग्रुप से और समय पर नहीं पे कर पाता है, तो क्या होता है, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं सब लोग क्या करते हैं, मिल करके उसको पे करने का काम करते हैं, या सब उस पर जो प्रेसराइज करते हैं भाई तुम ग्रुप से मेंबर हो, पैसा लिए हो, तो उसको क्या करो, सबमिट करो, उसको रीपेमेंट करने का वो भी उसको प्रेसराइज करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स बैंक आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वोमेन व्हेन ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इवन थ्रो दे हैव नो कोलैटरल एज सच। यानी देखा आप लोगों ने ग्रुप के माध्यम से औरतें भी क्या हैं, एक सेल्फ डिपेंडेंट है, ग्रुप बनाई, कुछ पैसे कलेक्ट की और क्या हो गई, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई, उन्हें लोन लेने के लिए अब कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, अब किसी खास डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है, और जो कि इसको इजीली आसानी से बैंक से लोन मिल जा रहे हैं, वो भी क्या विदाउट कोलैटरल सबमिट किए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना इनको बेनिफिट यहाँ से हुआ है। दस हम बात कर सकते हैं इस प्रकार, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है बोरोवर्स ओवरकम अ प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। यानी कि जो बोरोवर्स हैं, जो पैसे लेने वाले होते हैं, इनको कोलैटरल के अभाव में भी लोन मिलने का काम होता है। यही बातें यहाँ पर मेनली समझाने का प्रयास किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो आपने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो लोग हैं, खासकर वोमेन औरतें, और खासकर जो है रूरल एरिया में ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड कर रहे हैं, और इसका अच्छा प्रभाव देखने को ग्रामीण इलाकों में मिलता है। तो लेसन आपका यहीं समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी, गुड बाय।